वायर तो लगाऊंगा मेरा तो जान तुम्हें कैमरा मूव नहीं कर पाऊंगा राजकुमार सर राइट साइड राजकुमार लेफ्ट साइड अब बस राजकुमार लेफ्ट साइड अरे अब भाई टीवी तो चलिए ठीक है आ जाइए सर आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू सभी न्यू ईयर के बाद पहली बार मिल रहे हैं तो कैसा रहा ये नेहा जी के साथ का चैट शो बहुत मज़ा आया आई थिंक उनका शो मैंने पहले भी देखा है और बहुत मज़ा आता है उनके साथ बिकॉज वो खुद भी एक एक्टर हैं तो उनको बहुत मज़ा आता है उनको पता है कि एक्टर्स को कहाँ पकड़ना होता है किस उनकी नब्ज को दबाना होता है सो बट इट वाज लॉट ऑफ फन आई थिंक शी इज अ रियली चिल्ड आउट गर्ल यस शी सी सी इट्स ऑलवेज फन टू जस्ट हैंग आउट विद हर आई फील द सेम शी इज वेरी आउटस्पोकन एंड सो ऑनेस्ट एंड सो लाइक शी talks about what she like what she thinks you know basically and I love that about her it's the first time I've met her and I thoroughly enjoyed today's day I'm very thrilled. I wish the film is a big success. That and I think it will be because it's a great topic. It's made with lots of love and dedication, a lot of thought as well, and sensitivity. And I think it's a subject that needs to reach as many people as possible, yeah. And we need to make a change. And that's our effort from our side to spread awareness and also entertain you. It's an entertainer. It's an absolute entertainer. The film. आपको कैसा लगा इनका trailer? Why? Loved it. I told her. I told actress her also. I totally loved it. As she said, you know, it talks about something so important, and with some entertainment in it. I think that's what you know. That's the kind of cinema even I like, where you talk about something so important, relevant, but still entertaining. 2017 आपके लिए बहुत अच्छा रहा इतने सारे awards आपने जीते और अभी 2018 में आप जा रही हो ना ऐश्वर्या के साथ फिल्म कर रही हो सोनम के साथ एक फिल्म कर रहे हो आप तो कैसा लग रहा है क्योंकि उम्मीद क्या है इससे 2018 बहुत उम्मीद तो हमेशा ही अच्छी होती है उम्मीद अच्छी थी तो अभी एक्टर बनने आ गए इस शहर में well, I'm really looking forward to 2018 as well. कुछ अच्छी कहानियाँ हैं जिनका हिस्सा जो करने का मौका मिल रहा है 2018 में सो नाउ लेट्स सी हाउ इट गोज वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट तो इसके अलावा 2018 में और कुछ होने वाला है धमाकेदार आपकी तरफ से नहीं काम ही होने वाला है ओनली एक्टिंग एंड फिल्म्स नो नो नॉट नॉट गेटिंग मैरिड नो डिडंट इवन आस्क दैट नो डिडंट आस्क दैट यू जस्ट रिप्लाई सडनली या सडनली और धमाकेदार क्या होने वाला है धमाकेदार नया जी सेगमेंट का नाम स्कैरी विद स्कैरी स्पाइस तो कैसा रहा ये बहुत अच्छा लगा बहुत ज़्यादा इनको मैंने मिर्ची खिलाई जो आई डोंट थिंक एनी वुमन इन हिज लाइफ हैज़ मेड हिम डू व्हाट आई हैव मेड हिम डू दैट इज़ ईट स्पाइस और आई हैव टू से कि राजकुमार ने आज बहुत सारे लोगों के लिए मिर्ची खाई है यहाँ पे अपने बहुत दोस्तों को फिल्म इंडस्ट्री में बचाने के लिए टू प्रोटेक्ट देम अब क्या है सब खुलासे टी वी पर होंगे पर मैं आपको थोड़ा बहुत बता सकती हूँ कि मिर्ची खाने के बाद इनको नॉन स्टॉप हिचकी आने लगी और रानी मुखर्जी की फिल्म की भी प्रमोशन इन्होंने साथ में ही कर दी मिर्ची आप खाई अगर आपने बता सके आप